हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है मंगलवार और आज स्पेशल क्या है, आज हमारे यहाँ पूजा होती है, जीतिया करके बोलते हैं, तो जीतिया देवी की पूजा होती है। और ये पूजा यानी व्रत होता है, पूजा दोनों होती है, और एक पूजा होता है बच्चों के लिए। तो उपवास तो मैंने नहीं रखा है, मेरी सास ने रखा है उपवास। तो फिर वो तो भी गांव में नहीं, लेकिन गांव में भी रखी उपवास। और इसमें कैसे पानी नहीं कुछ पीना नहीं रहता है, निर्जल व्रत रहता है। तो निर्जल व्रत रहता है, तो उन्होंने उपवास रखा है। और जो पूजा करनी रहेगी यहाँ पे वो मैं कर दूँगी, यानी जितना फल फूल सब चढ़ाना रहता है वो सब मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो आज आपको मैं वही सब दिखाने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड ने जितना फ्रूट व्रूट है सब ला के रख दिया है, और बस और दोपहर में जाना रहता है, तीन चार बजे से वहाँ पे होती है तैयारी। मतलब बहुत सारी लेडीज़ लोग आते हैं ऐसे, और बीच में मतलब जूतिया माँ की सब करते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगी। और चारों तरफ बैठे रहते हैं लेडीज़ लोग, तो ऐसे सब पूजा होती है। अगर मेरी सास रहती तो वही सब करती, मुझे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे है तो वहाँ पे भी होता है ये पूजा। मोस्टली हमारे यहाँ होता है, यूपी साइड ज़्यादा होता है। तो फिर अभी तो यहाँ पे फिर मुझे जाना रहेगा, सो चलिए मैं भी चलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जितनी सब तैयारी रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैं राइस बनाऊँगी, और जो ये जो ऐसा वटाना रहता है, जो वाइट वटाना रहता है, येलो वाले जो वटाना रहता है जो पानी पूरी में यूज़ करते हैं, उसकी भाजी बनाऊँगी मैं। और सिर्फ राइस और भाजी तो हम खाएंगे। और आपको पता है कि रोटी नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी सास गाँव में है और दोपहर में कोई रोटी नहीं खाता है। और प्रियल के लिए फिर मैं दाल बना दूँगी या खिचड़ी बना दूँगी उसे थोड़ा सा। तो सारा सामान आ गया है, मैंने आपको जैसे बताया था, हस्बैंड की आज छुट्टी है, 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, तो अच्छा है उनकी छुट्टी है, तो मेरी हेल्प हो जाएगी पूजा की तैयारी में। और मेरी सास ने क्या किया था, सब सामान जो जो चाहिए पूरा उनसे लिखवा के गई थी कि कोई भूल ना हो जाए। तो भी मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने रात में चना भिगाया नहीं था, इसमें जो चना है काला चना वो भी यूज़ होता है। और मेरी सास ने बोला था कि रात में भिगो देना, और मैंने भिगोया नहीं था। और अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सुबह भिगो दिया था, उनको याद आया कि इसने चना नहीं भिगाया तो उन्होंने भिगो दिया था। तो अभी वही मैं सोच रही कि फटाफट में सारा खाना ना बना लूँ, फिर एकदम अच्छे से फिर उस पूजा की तैयारी करूँगी। तो फिर मैंने जैसे बताया था कि पूजा जो रहती है बच्चों के लिए रहती है, तो मेरी सास उपवास रखती है और मेरी जेठानी भी उपवास रखती थी। तो अभी जब मेरी सास ही उपवास नहीं रख पाएंगी तो फिर वो मुझे दे देंगी, यानी फिर मुझे रखना पड़ेगा। तो जब वो बोलती कि जब तक मुझसे होगा तब तक मैं रखूँगी, फिर अगर नहीं रख पाएगी तो फिर मुझे देना पड़ेगा। और ये जो व्रत रहता है बहुत हार्ड रहता है, तीज का व्रत जैसा रहता है थोड़ा सा उससे भी हार्ड रहता है। तीज के व्रत में तो हम लोग सुबह 4-5 बजे उठ के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे रहता है, जैसे अभी आज उपवास है तो जो गए रात के 12 बजे के बाद से पानी नहीं पीने का, फिर आज का दिन पूरा, फिर दूसरे दिन भी 10-11 बज जाता है, यानी जो सब रहता है पूजा वूजा करने के बाद ही पानी नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत हार्ड रहता है। तो फिर इस बार तो मेरी सास ने रख लिया है। तो आज मैं सब यही डिटेल इसके अंदर मतलब यही सब मैं बताऊंगी, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी। सिर्फ मैं बना रही हूँ जो भाजी, उसमें भी सिर्फ जो प्याज रहता है वो एक प्याज काट के डालेंगे, और जो मसाला रहेगा वही जो नॉर्मल मसाला मैं पीसती हूँ, लहसुन मिर्ची अदरक प्याज टमाटर धनिया, यही सब मसाला रहेगा। और अब इसमें चिकन मसाला यूज़ करते हो तो ज़्यादा टेस्ट आता है, तो अभी देखूँगी चिकन मसाला मंगाऊँगी, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और एक जो पाव रहता है उसे भिगो के और मैश करके उसको इसमें मिलाया जाता है, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तो मैं फटाफट सा उसको भी वो बताऊँगी आपको। तो चलिए फिर, यहाँ पर मैंने राइस रख दिया है, कुकर में राइस हो रहा है। और अभी मैं भाजी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है बाहर, तो खा के जाएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ फटाफट तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने कुकर यूज़ करी, और कुकर में मैंने तेल गरम कर दिया है और उसमें जीरा भी डाल दिया है। जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें मैं प्याज डालूँगी और प्याज को लाल कर लूँगी अच्छे से। तो ये एक टाइप का उसल टाइप का भाजी बोल सकते हो आप, और इसमें सारा मसाला है। और ये वाला वटाना है, तो वटाना मैंने रात में भिगो दिया था, और जो तेल और प्याज के साथ वटाना भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जो मैंने मसाले पीसे हुए थे वो मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद चिकन मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मिला दिया है, और इसे भी इसके साथ एकदम अच्छे से फ्राई करूँगी।
जैसा आप मेरे वीडियो में देखते होगे, जब तेल छूट जाएगा तब उसमें पानी ऐड किया जाता है, करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने एक पाव लिया है और इसे भिगो दूँगी, और जब ये गीला हो जाएगा तो इसे हाथ से ही मैश करके एकदम अच्छे से फिर कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैश हो गया है, आप हाथ पे यूज़ कीजिए, अच्छे से मैश हो जाएगा। तो ये मैश हो गया, मैं इसमें डाल देती हूँ और इस मसाले के साथ इसे भी अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखिए तेल ऊपर तक आ गया है, यानी मेरा मसाला अच्छे से पक गया है। और इसमें मैं अपने हिसाब से पानी डालूँगी, जैसा आपको चाहिए, गाढ़ा पतला जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से डालें कि वटाना भी अच्छे से पक जाए। और नमक डाल के इसे सीटी मारूँगी, 4 सीटी में हो जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे तैयार है, तो मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, यानी सब खा लिए हैं, फिर भी खा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे राइस है और ये उसल टाइप की भाजी है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने के लिए। आप भी एक बार ट्राई कीजिए और कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। और अभी दोपहर हो गया है और सारा काम हो गया है, तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो उस पूजा में पूरी चढ़ाई जाती है, तो थोड़ा सा ही पूरी बनाना है, एटलीस्ट मतलब 10 तक पूरी बनाना है। तो उसके लिए मैंने आटा अलग से मंगाया था दुकान से, तो थोड़ा सा आटा मैंने लिया था 1 कटोरी, और उसमें शक्कर डाला था, आधा 1 चम्मच शक्कर डालना है, और पानी साफ़ पानी से उसे अच्छी तरह से गूंदना है। तो मैंने आटा गूंद लिया है और मैं उसे लोई बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 10 तक बनाऊंगी बस। सो फ्रेंड्स, 4:30 होने को आ गया है, सारी तैयारी हो गई है और बस अभी मैं आई हूँ नहाने के लिए। फिर नहा के फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे पूजा होने वाला है। तो ठीक है, मैं जाती हूँ नहाने के लिए। सो हाय फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ, सिंदूर लगाना बाकी है। तो मैंने ये साड़ी पहनी है और जा रही है अभी, सब वहाँ पर लेडीज़ लोग आ गए, सिर्फ सिंदूर लगाना है। तो मैं निकलती हूँ फिर और मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ सीन क्या चल रहा है, मीन्स वहाँ पे कैसे पूजा करें सब दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जितना सामान था पूजा का सब मैंने थाली में लगा लिया है। तो यहाँ पे सारा सामान है, मिठाई, घी, जो फल है, पूरी, हार, फूल और सिंदूर, जितना सब था मैंने थाली में लगा लिया है। और एक साड़ी भी चढ़ाई जाती है, तो साड़ी भी है। और यहाँ पे एक लोटा है। रुको 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 रुको, तो उसमें पैसा है, पैसा उसमें पैसा है। परीक्षा है, परीक्षा है। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ पूजा से, तो अभी मैं जा रही सोने के लिए और प्रियल यहाँ पे बैठी है। हाय बोल दो प्रियल। तो बोलो, बात करो। क्या खा रही हो? मैंगो। मैंगो जेली। मैंगो जेली। और प्रियल, आपका बाल क्या हुआ? हा? आपका बाल क्या हुआ? मम्मी,
आपका बाल क्या हुआ? क्या हुआ बाल आपका? कब आएगा? कब आएगा बाल आपका? जून में। प्रियल को कुछ भी पूछो, आपका बर्थडे कब है या कुछ भी पूछो तो बोलती है जून, आप कब आओगी जून, हर चीज में जून जून बोलती रहती है ना प्रिया। हाँ। और वहाँ का रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने बहुत थोड़ा सा किया था क्योंकि वहाँ पे पूरी लेडीज थी और उन्हें थोड़ा सा ऑड लग रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए उनको मैंने कहा था कि थोड़ा सा बस रिकॉर्डिंग कर देना। तो अभी मैं जा रही सोने के लिए और मैंने आपको ये साड़ी दिखाई थी, तो ये साड़ी ऐसी थी, तो ये साड़ी मुझे रक्षाबंधन में मिला था, मेरी मम्मी ने दिया था, और जो जब मेरा दूसरा कि पहला रक्षाबंधन था तब मैंने लिया था साड़ी, मम्मी ने दिया था मुझको, अच्छी लगती है साड़ी मेरी मुझे। आई थिंक अभी शाम को मेरी सास को फ़ोन करना पड़ेगा कि आगे का क्या करना है पूजा के लिए,